एंड वन एटमोसफियर एंड टू सेवेंटी थ्री कैलोवीन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर टू कवर ए सैम्पल ऑफ सिलीका जेल अज्यूमिंग लैंगमोल एब्जॉर्पन इज फाउंड टू बी दिस माइक तो जो वॉल्यूम गैस का लग रहा है दैट इज वन पॉइंट थ्री जीरो मील पर ग्राम टू कवर द सिलीका जेल एरिया ऑक्युपाइड बाई नाइट्रोजन इज एरिया जो नाइट्रोजन का ऑक्यूपाई है या नाइट्रोजन का एरिया आपक्रुपाई नाइट्रोजन बिल्कुल ठीक जीरो पॉइंट वन सिक्स का स्केयर है व्हाट इज सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ सिलिका जेल तो जो उसका जो सरफेस एरिया है पर ग्राम कितना होगा चलो ऐसा करते हैं जो ये वॉल्यूम हमें मतलब उसने दिया है इससे हम पहले ये निकालते हैं कि कितने मोलिक्यूल उस पर अब्जॉर्ब हुए होंगे ओके तो अगर मेरे पास ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड मिली लीटर होता तो एवेगडो नंबर मोलिकुलस होते अगर वन होता वन मिल होता तो इतने और अगर वन पॉइंट थ्री ज़ीरो मिल है तो मेरे पास कितने मोलिकल वहाँ पे एडज़ॉर्ब हो रहे हैं ठीक है तो वो देख लेते हैं सिक्स एवेग्रडो नंबर उसने दिया है सिक्स इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू वन पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई टू टू फोर जीरो जीरो तो इतने मोलिकल जो हैं उसने अब्ज़ॉर्ब या एडज़ॉर्ब जो है करवाए हैं ठीक है पर ग्राम के हिसाब से ना एरिया कितना है दिस वन सो वट वुड बी द सर्फेस एरिया पर ग्राम ऑफ सिलीका जेल ओके तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन टू पावर नैनो माइनस नाइन तो माइनस एटीन ठीक है मीटर स्केयर चलो एक का एरिया इतना है टोटल नंबर मोलिकूस इतने हैं टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया वो हो गया थ्री पॉइंट फोर एट इंटू टेन एस टू पावर नाइनटीन इंटू जीरो पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस एटीन ओके चलो थ्री पॉइंट फोर एट इंटू पॉइंट वन सिक्स पॉइंट फाइव फाइव सिक्स तो ये माइनस एटीन है सॉरी ये प्लस एट नाइन्टीन है तो इंटू टेन हो जाएगा तो फाइव पॉइंट फाइव सिक्स एट फाइव पॉइंट फाइव सिक्स एट हमारा आंसर आ जाएगा सो ऑप्शन इज़ ए डन